राम राम किसान भाइयों, आपके और हमारे यूट्यूब चैनल खेत किलान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको धान में पोटास और डीएपी डालने के फायदे बताएंगे। तो किसान भाइयों, धान में डीएपी और पोटास डालने से ये दोनों धान में कई गुना ज़्यादा काम करेंगे। इनको धान में कब डालना है? तो किसान भाइयों, जब हमारी धान बैल लेने की अवस्था में हो तो उसमें एक एकड़ में आधा कट्टा डीएपी खाद का और आधा कट्टा पोटास का दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर धान में डालें। डालने से पहले धान में पानी का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण ये पानी में घुलकर धान की जड़ों तक पहुंच जाएंगे। किसान भाइयों, अगर धान में पानी नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे। तो इसलिए ज़मीन में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, डीएपी और पोटास डालने के फायदे। किसान भाइयों, धान में डीएपी और पोटास डालने से धान के पौधे मजबूत होंगे। धान ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल साफ रहेगी। धान में बीमारी बहुत कम आएंगी। धान में बैल बहुत लंबी लंबी आवेंगी। कोई भी बैल सफेद नहीं आवेगी। धान की बैल में दाने चमकदार, मोटे और वजनदार आवेंगे, जिससे अच्छी पैदावार होगी। तो किसान भाइयों, अगर धान में डीएपी और पोटास डालना है तो बैल लेने से पहले डालें। अगर आप धान में डीएपी और पोटास बैल निकलने के बाद डालोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए धान में डीएपी और पोटास बैल निकलने से पहले डालें, जिससे लंबी लंबी बैल निकलेंगी और दाना भी मोटा और चमकदार होगा।